अगर ना लगता है कई बार नलके खुले रहते हैं टूटियां गोर ये एक साडा बड़ा पॉइंट है कि जी नरेगा स्कीम है वो भी गौरमेंट ने आख्या कि जल शक्ति अभियान के तहत ये कम रखो क्योंकि जिंया महीने जून जुलाई आते हैं तो पानी साढ़े नलके भी सुक जाते हैं और भी जी फसल जीडिया साढ़िया सुकती हैं जरिए कटिए कि पानी जिसे पानी बचाया जा सका उदा भी एक प्लानिंग करनी है फिर असें लैंड लैंड जमीन पौधे वगैरह लगाए जान प्लांटेशन इन फॉरेस्ट हॉर्टीकल्चर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करना है जो भी है प्लांट बनाना है और हॉर्टीकल्चर वाले करना कि बूटे लाएंगे कोई फलदार बूटे लगाए जाएंगे या छायादार बूटे लगाए जाएंगे जो कि जमीन साड़ी कटाव जी आ रही है उसका बचाव फिर उसके बाद असं एक क्योंकि साढ़े को पंचायत घर नहीं है पंचायत घर की भी जगह कोई आइडेंटिफाई करनी है कि एक गौरमेंट की तरफों पंचायत घर भी सानू क्योंकि पंचायत जो भी अज तुस कट्ठे मतलब हो ही दियो लेकिन जगह साढ़े को बड़ी कम है तो वह पंचायत लेवल पर भी असें कोई फिर कोई तला है पुराना कोई पुराना तला और एक अवेयरनेस लोगों की यह करनी है कि सिंगल कट्ठा करके अगर किया करना है यूज उसके बारे में प्लास्टिक इं नहीं फैलना क्योंकि कई बार जानवर खा जाते हैं उसके कारण बड़ा उन्हें जानवर भी नुकसान होता है साड़ी खेतीबाड़ी च भी एक सरपंच साहब ने कैंप लगाया है 6 और 7 की आधार कार्ड 6, 7, 8 की एक कैंप लगना तुंदे इत्थै पंचायत घर लाएंगे ते बाकी साफ सफाई ते जोर दो जियां जय साहब ने कहा कि असी अगर जियां चिप्स खांदे नहीं जिथे दिल आता उत्थे सुट दिंदे जय साहब ने उस कोलों फार्मूला कैच किया होना वो कह रहे ने असी 2 लीटर की बोतल लेंदे ने सोडे की उहदे विच कम से कम कोई 20 विच पै जांदे ने वह सुट दो तो एक जगह पर वेस्टेज जा उहदे नाल नुकसान भी नहीं होंदा ये जिहड़े डंगर खा लैंदे उहदे नाल भी बीमारी पैदा होंदी अगर असी इसनों जलाते हैं इस भी प्रदूषण हो रहा है तो लिहाजा जिनी साफ सफाई रखोगे उन्ना सारे वास्ते बैटर है तो बाकी जिंदा आधार कार्ड नहीं बने दा 2 दिन का कैंप लगाए दा असी बिच आंगनबाड़ी मैडम ने भी साड़ा साथ दिता है उन्होंने दसिया कि भाई आंगनबाड़ी जिहड़े बच्चे ने सेंटर विच बच्चे नूं दा आधार कार्ड नहीं बने दा असी CDPO सर नाल गल कीती 8 और 9 2 दिन कैंप लगाना असी 1 दिन लगाना दे बड़ियाल ये जिथे मैडम होर शशिपाल होर घर उनके घर सेंटर है क्योंकि सानू गवर्नमेंट डायरेक्शन है कि भाई लगना चाहता सरकारी बिल्डिंग तो जिथे सरकारी बिल्डिंग है उत्थे साढ़े कोल इनवेटर नहीं है एज ए पंचायत घर या वाई स्कूल अगर असी प्राइवेट स्कूल च लगाते हैं तो वह गवर्नमेंट मैनशन नहीं करती तो लिहाजा असी शशिपाल होर घर आंगनबाड़ी सेंटर है उत्थे लगाना असी कल तो नैक्सट 9 तरीक लगाएंगे असी नीलम मैडम होर की देखरेख दे रही है संतोष मैडम होर के घर तो लिहाजा है सारे जिंदे जिंदे नहीं बने दिन तो सारे सुना छो कि भाई 2 दिन का कैंप है तो सारे उत्थे आ अगर कुसा दा रह भी जा पहले तो सानू CDPO साहब के फस्ट प्रायोरिटी उन्होंने देनी अगर कुसा दा नहीं भी बने दा उस तो बगैर जेहड़े आंगनबाड़ी तो उपर हैं उसका भी बनेगा पंचायत कुसा दा डोमिसाइल ना बने दो चलो जी पंचायत बटियाल ब्राह्मणा में एक गवर्नमेंट का आदेश था कि 7 अप्रैल को एक ग्राम सभा का आयोजन किया जाना है उसके तहत हमने आज बटियाल ब्राह्मणा अपर में ग्राम सभा लगाई जिसमें कि हमारे जो भी डिपार्टमेंट की तरफ से एजेंडे में
काम रखे थे, जैसे कि जल शक्ति अभियान, उसके बारे में हमने जितने भी ग्राम सभा के मेंबर हैं उनको यही बताया कि पानी का बचाव करना है, पानी के बगैर हमारी ज़िंदगी नहीं अधूरी है, अगर पानी नहीं मिलेगा तो हम जीवित नहीं रहेंगे। इसके बारे में हमने पानी के, खासकर पानी के फोकस पर हमने पूरी बात जो लोगों को समझाई कि अपने घरों में पानी का कैसे बचाव करना है। उसके बाद जो बाकी एजेंडे हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके तहत हमने जो जिन बच्चों ने अच्छे मार्क्स 10वीं 12वीं और 8वीं क्लास में लिए हैं उनको पंचायत की तरफ से सम्मानित किया गया है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज पूरे देश, पूरे संसार में COVID-19 जो बीमारी है ये फैल रही है और ज़्यादा खतरनाक हो रही है। इसके बारे में लोगों को अवेयर किया गया है कि 45 साल से ऊपर लोग, जितने भी लोग हैं, वो वैक्सीनेशन करें ताकि इससे बचाव हो सके, और मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंस का पालन करें। जय हिंद, जय भारत।